subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन फाइनल होने के बाद अब दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। जहां बीजेपी ने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तो वहीं शिवसेना ने 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपने 52 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिए हैं, लेकिन 12 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिन्हें ये टिकट नहीं मिला है। बीजेपी का कहना है कि वे राज्य में शिवसेना और कुछ छोटे सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी सूची के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर के दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। वहीं महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल कोथरूड से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा शिवाजी महाराज के परिवार से शिवेंद्र सिंह को टिकट मिला है, वह सतारा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस छोड़ चुके बीजेपी में शामिल हुए राधाकृष्ण विखे पाटिल को बीजेपी ने सीधी से टिकट दिया है। इसके अलावा जामनेर से गिरीश महाजन को टिकट मिला है। इसके साथ ही शिवसेना ने 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिससे ये भी साफ हो गया है कि शिवसेना राज्य की 288 सीटों में से 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 2 MLC उसे बीजेपी के कोटे से मिलेंगे। बता दें कि 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा में फिलहाल बीजेपी के पास 122 सीटें हैं, वहीं शिवसेना के पास 63 सीटें हैं। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होंगे, वहीं 24 अक्टूबर को इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। टीम खबर अपडेट।